हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। आज थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है बर्फ़ पड़ने के बाद। एक प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, पेड़ गिर गया था बर्फ़ पड़ने पर। और एक जो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है बर्फ़ पड़ने के बाद पहाड़ी इलाके में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ और उससे रूबरू करवाना चाहती हूँ कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बर्फ़ पड़ने के बाद। तो उससे पहले आप अच्छा सा व्यू इन्जॉय कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो ब्लैकी, ब्लैकी यहाँ बैठा खाने की चाह में। मैं इसको खाना देती हूँ थोड़ी देर में। पहले आप ये देख लो, ये पिघलती हुई बर्फ। सब तरफ पिघल गई है बर्फ, ये देखो। और ये है सामने का व्यू। तो आओ दोस्तों, आपको बताते हैं कि हम पहाड़ों में रहने वाले लोग किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है पानी की। पानी तो हमारा जीवन है, जल ही जीवन। तो अगर पानी ही ना रहे हमारी लाइफ में तो हम क्या करेंगे? आ जाओ, हर एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, किचन से लेके बाथरूम तक, कि क्या दिक्कत है जिस वजह से मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ आज। तो देखते हैं आज की प्रॉब्लम। पर उन सब चीज़ों से पहले ब्लैकी को खाना दे देते हैं। हाँ क्या ब्लैकी, ये बैठा है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी प्रॉब्लम। ये देखो, बर्तन भी ऐसे पड़े हैं और इसको देखो, ये तो चल ही नहीं रहा। ये गीजर वाला है और इसको देखो, ये देखो, इतना इतना ही आ रहा है पानी, फिर रुक गया, जाम हो गया ये। और देखो बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं। अब इसका भी दिखा दो, ये देखो, इसमें थोड़ा पानी अब आया, पहले नहीं आ रहा था। और इधर इधर बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इधर देखो, चल जा भाई। देखो ये हाल होता है हमारा यहाँ का, देखो। अब क्या करूँ, यहाँ पर भी दिखा दूँ, इसका भी दिखा देती हूँ। ये तो गीजर वाला है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला नलका है ये भी नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पानी में आता है, इसी टैप में आता है, क्योंकि मशीन में लगाती हूँ मैं। अब यहाँ पर दिखा लूँ, यहाँ पर भी प्रेशर से आता है पानी और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ये देखो, सारे के सारे नलके जाम हो गए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पानी तो अभी भी नहीं आया, 6:30 हो गए शाम के। नहीं, पानी नहीं आया, शाम के 6:30 हो गए, देख लो पानी नहीं आया।
पूरी तरह जम गया पानी नलकों में। ये है बाहर का व्यू। बारिश हुई है लेकिन बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है फिलहाल। तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश हट गई है लेकिन बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन बादल हुए हुए हैं। और दुख की बात यह है कि पानी नहीं आया, कल रात से पानी नलके में जाम है। और दुख की बात यह है कि मेरे पास एक ही बाल्टी पीने के पानी की थी और वो मैं पूरा आज दिन यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब आप मान लो ये बाल्टी है पानी की और इसमें से इतना सा पानी अभी बचा है फिलहाल, और पीने के लिए जो उबाल के रखा था वो यूज़ कर लिया है मैंने। और पानी की टेंशन हो गई है, अब न्यू कैनी वगैरह कोई लेनी पड़ेगी, गैलन वगैरह, और उसमें पानी लाना पड़ेगा ऑफिस से, क्योंकि यहाँ पर पानी जाम हो गया है नलकों में, तो इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मैं पहले पानी का इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। कल का जितना भी काम है सारा रुक जाएगा। पानी बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे, बाथरूम में जो वाटर स्टोर ड्रम है उससे पानी लेकर गर्म करके मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, लेकिन अभी कल का काम मतलब खाना वाना कैसे बनाएंगे वो प्रॉब्लम है। तो अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे कल सुबह मॉर्निंग में मैं आपको बताती हूँ पानी मिला या नहीं मिला, क्योंकि पानी लाना पड़ेगा, यहाँ पर तो जाम हो चुका है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।